नमस्कार दोस्तों, बुद्ध की जीवन बदल देने वाली कहानी। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षा टन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। अचानक बुद्ध के पैर में एक कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी। अब बुद्ध के शिष्य ने उस रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर उस पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द तो तुम सहन नहीं कर पा रहे हो, तुम पाखंडी हो। ये तुमने आज सिद्ध कर दिया। ये कांटे हमने बिछाए थे, इस गाँव में तुम्हारा स्वागत नहीं तिरस्कार किया है और आगे भी तिरस्कार होगा, तुम्हें इस गांव से कोई भिक्षा नहीं देगा। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो, लेकिन उन ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास मनाते हुए कहा, अगर तुम्हें भिक्षा टन के लिए इस गांव में जाना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी, तुम्हें इन कांटों से गुजर कर जाना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने चुनौती स्वीकार की और कांटों के उस रास्ते पर चलकर आगे बढ़ने लगे। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे और कांटों पर चलते चले जा रहे थे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए, उन लोगों की आंखें फटी रह गईं। वो लोग सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चल के क्या साबित करना चाहते हैं? गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं थी बल्कि जीवन बदल देने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक भी था जो बुद्ध के ऊपर हुए अत्याचारों पर क्रोधित हो रहा था, द्रवित हो रहा था। सुमित दौड़कर आया और भगवान बुद्ध के सामने जो भी कांटे थे उनको हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु ने सुमित को रोकने की कोशिश की कि तुम्हारा दाना पानी इस गांव से बंद कर देंगे, लेकिन सुमित ने किसी की नहीं सुनी। वो कांटों को हटाता रहा और उसने कहा, भगवान आप इन मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए, आप गांव में प्रवेश कीजिए, सारे लोग आपको भिक्षा देंगे। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गया कि हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित ना करें। बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? मेरे स्पर्श करने से तुम दूषित कैसे हो सकते हो? मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा और ईर्ष्या से दूषित होता है, तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है, तुम दूसरों का सुख चाहते हो, तुम तो बहुत पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो, तुमको जाति का कोई ज्ञान नहीं है, तुम पाखंडी हो। बुद्ध ने कहा, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है, नदियों का पानी सभी के लिए समान रूप से प्यास बुझाता है, खुले जंगलों की हवा सबको समान रूप से मिलती है, खुला आसमान सबको परवरिश देता है, सृष्टिकर्ता ने कोई भेदभाव नहीं किया है, फिर हम इंसान कौन है भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद, जो भेद करता है अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इतना ही मानते हो तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते। बुद्ध ने कहा, अच्छा सुझाव है, अगर सुमित तुम चाहो तो मेरे भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बना। इस पूरे वातावरण में न केवल सुमित का जीवन बदला बल्कि बहुत से लोगों का जीवन बदल गया। दोस्तों, कहानी बहुत सोचने वाली है। कहानी को अच्छे से पढ़िए और सोचिए, उसका अर्थ निकालिए। अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।